पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्रवीण और अर्पित समीर के हाथों पिटने से बाल बाल बचे और दोनों ने शुभम सर के यहाँ ट्यूशन लगवा लिया, ये सोच के कि ट्यूशन में निहारिका से रोज मुलाकात होगी। लेकिन शुभम सर को मालूम चल गया कि समीर के नाम से प्रवीण और अर्पित ने फोन किया था। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ और सुनते हैं कहानी की अगली कड़ी हग डे। हिंदुस्तान में लड़का जब इश्क में पड़ता है तो फटके और घूंसा खाने भर का जिगरा लेके ही चलता है। प्रवीण तो अभी तक सेफ ही था। क्लास में जैसे ही शुभम सर ने प्रवीण और अर्पित को बुलाया तो दोनों के गले सूख गए। बेटा, समीर के नाम से फोन तुम दोनों ने किया था ना? सर वो, प्रवीण जवाब देते देते रुक गया। समीर ने सब बता दिया है मुझे, अब निहारिका और समीर दोनों के पेरेंट्स को तुम दोनों के पेरेंट्स से मिलवाते हैं। इतनी सी उम्र में जवानी उफान मार रही है तुम्हारी। सर वो एडवांस फीस लाए हैं, आज जमा कराने वाले थे हम लोग, पर, अर्पित ने बात टालते हुए कहा। बेटा ऐसी हरकतें नहीं करते, इस बार तो हम बचा ले रहे हैं, पर आगे ऐसा मत करना। लाओ फीस जमा कर दो, तुम दोनों का नाम रजिस्टर में चढ़ा दें, शुभम सर ने लालच भरी नजरों से कहा। सर ये लीजिए फीस, अर्पित और प्रवीण ने 250-250 रुपए देकर बात वहीं दबा दी। प्राइवेट स्कूल के मास्टर का गुस्सा कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, सामने जब ट्यूशन फीस होती है तो जुबान लपलपा ही जाती है। दोनों की क्लास खत्म हुई और निहारिका की क्लास शुरू। प्रवीण ने प्रॉमिस किया था कि सड़क पे हरकतें नहीं करनी, पर कोचिंग में तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ना थी। प्रवीण ने चुपके से निहारिका को देखा और तब तक देखता रहा जब तक निहारिका की क्लास स्टार्ट नहीं हो गई। अर्पित ने प्रवीण के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, भाई तुम्हारा परिवार तो सामने है पर मेरा घर द्वार भी है। साला टेडी बियर की नई आंख और कान देख के अभी तक सब हैरान है, पर डर इसी बात का है कि कहीं मेघा आके टेडी बियर के ऑपरेशन के बारे में घर पर ना बता दे। चलो अब देर हो रही है, और दोनों घर को निकल गए। अगला दिन था हग डे, इत्तफाक से इतवार था और छुट्टी भी। स्कूल तो बंद था पर मार्च में होने वाले एग्जाम के चलते शुभम सर की कोचिंग खुली हुई थी। निहारिका के गले लगने का ख्वाब भी प्रवीण नहीं देख पा रहा था। गले लगना मौजूदा हालात देख के असंभव ही था। प्रवीण भी सत्य से भली भांति वाकिफ था, उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही थी। शाम हो चुकी थी और प्रवीण कोचिंग जाने के लिए अर्पित के साथ निकला। आज कौन सा कांड दिवस है तुम्हारा, अर्पित ने मजे लेते हुए पूछा। हग डे, गले लगते हैं आज। हाँ तो मन तो रहा है तुम्हारा हग डे, गले लग ना पाओ तो ना सही, गले पड़ तो गए ही हो उसके, अर्पित ने तीखा व्यंग कसते हुए कहा और हंसने लगा। हम आज तो कोई उम्मीद नहीं है, उसका नाम लेते ही जी अपने आप ही निकल जाता है। गले क्या, गाल तक छूने की हिम्मत नहीं है मेरी तो। वैसे भी ये वैलेंटाइन डे तो अंग्रेजों के चोचले हैं, हम लोग तो मातृ पितृ दिवस मनाएंगे इस सप्ताह, प्रवीण ने खुद को सांत्वना देते हुए कहा। अंगूर खट्टे हैं, है ना भाई, अर्पित ने फिर से कटार मारते हुए कहा। तुम साले कैसे दोस्त हो, मतलब इतना तो हमको समीर भी न चिढ़ाता जितना तुम चिढ़ा रहे हो। एक तो दिन खराब चल रहा है और दूसरा तुम मिर्ची लगा रहे हो, प्रवीण ने झुंझलाते हुए कहा। अरे अरे लाओ मेरे 52 रुपए, अर्पित ने टोन बदलते हुए बोला। भाई तुम तो मजाक भी नहीं समझते यार, प्रवीण ने स्थिति संभाली। दोनों बक बक करते हुए आ ही रहे थे तभी देखा कि सामने से हाथों में दो किताब सीने से लगाए टिपिकल भारतीय लड़कियों का पढ़ाकू लुक लिए निहारिका आ रही है। निहारिका को देखते ही प्रवीण की धड़कनें ऑटोमेटिक तेज होने लगी। जैसे जैसे निहारिका करीब आ रही थी प्रवीण के हाथ पैर कांप रहे थे।
प्रवीण और निहारिका आमने सामने चलते आ रहे थे। जैसे ही निहारिका करीब आई, अर्पित ने चलते चलते प्रवीण को टंगड़ी दे दी और प्रवीण सीधा निहारिका के ऊपर जा गिरा। अरे सॉरी सॉरी निहारिका जी, वो पैर फंस गया था अचानक से, देखा नहीं, आपको चोट तो नहीं आई? प्रवीण ने घबराते हुए कहा। कोई बात नहीं, ठीक है हम, तुमको तो नहीं लगी, निहारिका ने अपनी किताब बटोरते हुए कहा और क्लास में चली गई। क्यों बे, मन गया ना तुम्हारा हक डे, लग गए ना गले, अर्पित ने ठहाके लगाते हुए कहा। भाई, प्रवीण की सांसें चढ़ी हुई थी और कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। चलो ये दिन भी जिंदगी भर याद रखोगे तुम जान हो भाई मेरी, जहां कोई भी चांस नहीं था तुमने वहां भी जुगाड़ लगा दिया। खुशी से अर्पित के गाल पे चूमते हुए प्रवीण बोल पड़ा। तुम्हारी दोस्ती में तो जान भी दे दें, बस मांग मत लेना भाई। दोनों हंसते हंसते क्लास के लिए पीछे पलटे तो देखा मेघा खड़ी उनकी बातें सुन रही है। दोनों के चेहरे की रौनक गायब। अर्पित ने फुसफुसाते हुए कहा, ये लड़की हमेशा गलत जगह क्यों पहुंच जाती है? जा रहे हैं भाभी से बताने, बोलते हुए मेघा आगे बढ़ गई। क्या मेघा भाभी को सब बता देगी? क्या भाभी भैया को बता देंगी? नया युद्ध शुरू हो गया है समीर और अंकुर में, जानने के लिए करिए इंतजार। सुनते रहिए, जुड़े रहिए, सप्ताह अभी बाकी है।